बच्चों का किडनैप करने वाली गैंग जो है, ये जो अफवाह है, इसको थोड़ा ज़्यादा प्रसारित आप करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी तक लोगों में वो डाउट है। अभी भी लोग जो है गैंग समझ के किसी को भी मारपीट कर रहे हैं, कुछ भी चल रहा है। तो अपने ज़िले में तो अभी तक कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, बट इसका कोई बोलते नहीं आता है। अगर किसी को भी ऐसे रास्ते चलते संशय के ऊपर से मारना पीटना शुरू है तो लिंचिंग वगैरह इस टाइप की चीज़ें हो सकती है। तो इसके लिए आपको बुलाया था हमने। अपने यहाँ पे 3 घटना हो चुकी है ऑलरेडी। शुरू है माइक। अपने यहाँ पे ऑलरेडी 3 बार ऐसा इंसिडेंस हो चुका है। एक बार 20 तारीख को सिल्लोड ग्रामीण हद में एक गांव है पड़शी, पड़शी गांव के एक स्कूल में से एक बच्चे का अपहरण हो गया, ऐसा खबर मिली थी हमको सुबह 11 बजे। हमने पूरे ज़िले में नाकाबंदी किया, हर पुलिस स्टेशन, जो भी रोड जहाँ पड़शी से निकलने वाले सारे रोड बंद किए, दूसरे आजू बाजू के ज़िले में भी हमने इन्फॉर्मेशन दिया, उधर भी नाकाबंदी किया। और हमको उसमें 3-4 घंटे हमको लगे, जिस तरह की गाड़ी का वर्णन उन्होंने बताया था वैसी 3-4 गाड़ियाँ हमने पकड़ी, और वो सभी गाड़ियों की खातिरी की। वो कोई भी अपहरण वाली गाड़ी कुछ नहीं थी। स्कूल के जितने बच्चे थे, 1800 बच्चे स्कूल में, एक एक बच्चे को आइडेंटिफाई किया सब, या तो घर में या स्कूल में। तो इतना खातिरी करने में, इतना करने में बहुत 3-4 घंटे चले गए। तो दूसरी बात ये भी है कि उस अफवाह का विश्वास करके कहीं कोई मारपीट हो जाती, कुछ हो जाती, तो दूसरी घटना हो सकती है। फिर वैसा ही अभी 28 तारीख को भोकरदन की घटना है जालना की, बट हमारे बॉर्डर से लग के ही है। तो सिल्लोड पुलिस स्टेशन से लग के ये घटना हुई थी कि एक कोई एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में एक लड़का बोनट पे बैठ गया और थोड़ी दूर वो गाड़ी उसको लेके गई, और इसमें अफवाह फैला दी लोगों ने कि वो बच्चे का किडनैप हो गया है। और वो वहाँ कम से कम 700-800 लोग जमा हो गए, और जो गाड़ी का ड्राइवर था उसके साथ मारपीट शुरू हो गई, उसकी ऑलमोस्ट लिंचिंग ही हो गई थी। वहाँ टाइम पे सिल्लोड पुलिस स्टेशन के अधिकारी पहुँचे और फिर उसको छुड़ाया, उसकी जान बचाई। ठीक है, एक्सीडेंट का गुना है, उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर, वो हुई भी है कार्रवाई। उधर भोकरदन जालना में गुना दाखिल है उसका, लेकिन इसको अफवाह बना के अपहरण वाला जो एंगल देना ठीक नहीं है। फिर से एक ऐसी इन्फॉर्मेशन बड़ौद बाज़ार में 29 तारीख को, परसों के दिन, कल के दिन ही, कल का है कि परसों का है, परसों का है ना, आज कितनी तारीख है, तो तारीख काल से नहीं, तो 21 तारीख चाहे 21, कल परसों भी एक और आया था। 21 तारीख को बड़ौद बाज़ार पुलिस स्टेशन में एक ऐसा इन्फॉर्मेशन आया था कि वहाँ पर भी कोई एक सूमो गाड़ी आई हुई है, बच्चों को उठाने वाली गैंग उसमें घूम रही है। तो वहाँ पर भी सब नाकाबंदी लगा के सूमो गाड़ी को आइडेंटिफाई किया, फाइनली पता चला कि ये सब अफवाह है। तो इस वजह से हमारा काम भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है और कहीं कोई बड़ी घटना भी हो सकती है। तो इसलिए सबसे आह्वान करना है पब्लिक से, आपके थ्रू, कि ऐसी कोई भी, एकदम क्लियर कट बोल रहे हैं, कोई ऐसी टोली सक्रिय नहीं है, अपने ज़िले में नहीं है, महाराष्ट्र में भी नहीं है। ऐसा कोई भी अगर कोई मैसेज आता है, व्हाट्सएप आता है, वीडियो आता है, कुछ भी आता है, तो आप उसको खातरी करिए उसकी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसी कोई टोली है तो पुलिस को बताइए। 112 नंबर है, 100 नंबर है, उसके अलावा भी हमने 2-3 नंबर इसमें आपको लिख के दिए, तो ये नंबर पे फ़ोन करके बताइए, उसके ऊपर करेंगे कार्रवाई। फिर हमने सिल्लोड में देखा था, जितनी गाड़ी उन्होंने बताई उतनी गाड़ी हमने आइडेंटिफाई कर ली थी। 3-4 गाड़ी हमने उस सेम जो उन्होंने बताई थी वैसी 3-4 गाड़ी 3-4 घंटे में हो गई थी आइडेंटिफाई। कुछ दिन पहले इधर एक एक्चुअल अपहरण की घटना थी, एक अपने चिकल थाना पुलिस स्टेशन हद में, उसमें भी हमने 7-8 घंटे में वो डिटेक्ट किया था। तो अगर कोई ऐसी घटना होती है तो इमीडिएट एक्शन लेंगे और इमीडिएटली उसको डिटेक्ट करेंगे, लेकिन खुद से जो नागरिक किसी को मारना पीटना इस तरह की चीज़ें नहीं करना चाहिए नागरिकों को। कई बार भीख मांगने वाले या फिर कोई दूसरे कपड़े बेचने वाले, बर्तन बेचने वाले लोग, थोड़ा अलग ड्रेस वाले लोग अगर आते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो अपहरण वाला गैंग है, उसको वो समझ के मारना पीटना गलत है, उसमें कोई बड़ी घटना हो सकती है। और जो लोग मारपीट करेंगे उनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी फिर हमको।
ये सबसे आह्वान है कि आप अपने हाथ में मत लीजिए उस लॉ एंड ऑर्डर को, हमको बताइए अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है तो। ठीक है, ये एक बात हो गई। और इसके अलावा एक अपने यहाँ पाचोड़ में जुलाई 22 जुलाई को एक गुना दाखिल था, 22 जून को दरोड़ा का गुना दाखिल था, उसके आरोपी जो है वो तब से फरार है। 3 बच्चों की चोरी, तो ऐसा कोई टोली, ऐसा कोई नया चीज़ कुछ नहीं है। जो हमेशा हम प्रबंध करते हैं वैसा प्रबंध हमारा अभी भी हर जगह पे रहता ही है। जो बंदोबस्त के लोग होते हैं वो ये सब चीज़ों पे भी ध्यान देते हैं। एक आम पब्लिक सभी लोग कर रहे हैं ना, नहीं वो बहुत मुश्किल है। और हाँ, और किसी ने गलत इंटेंशन से नहीं किया होगा, वो कोई गुनहगार नहीं होगा। ऐसे ही किसी ने जो ओवर एक्साइटेड होके लोग कर देते हैं, हर साल हर 2-3 साल में एक बार ये चालू होता है। मैंने तो यही देखा है महाराष्ट्र में, हर 2-3 साल में एक बार आता है ये। ग्रामीण इलाकों में व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू और गांव-गांव में जो मीटिंग्स होती हैं, पुलिस की जो विजिट होती है, उसमें हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, पर महाराष्ट्रामध्ये, बाकी इतर सर्व जिल्ह्यामध्ये आहे, नाशिकमध्ये, जलगाव, बाकी जालनामध्ये, सर्व जिल्ह्यामध्ये आहे। सर्वांनाच अलर्ट केला आहे आम्ही, ग्रामरक्षक दल पण याच्यामध्ये काही करू शकणार नाही ना। अगर लोगों में अफवा फैल गई है, अभी सब लोग इकट्ठा होके किसी को मारने पे उतारू है, मग तो अवघड आहे। तो आम्ही करतो आहे, तो ऑलरेडी आम्ही करतो आहे। पोलीसवाले ज्यावेळेस व्हिजिट करतात गावामध्ये, तिथे ते मीटिंग घेत आहे, त्यांचे व्हॉट्सअप ग्रुप्समध्ये पण आम्ही माहिती त्यांना देतो आहे की ही अफवा आहे। पण थोडा टी व्हीच्या मार्फत किंवा न्यूजपेपरच्या मार्फत थोडा तुमच्याकडून माहिती गेली तर अजून चांगला राहील। हो, जालन्यामध्ये दाखल झाला तो आपल्याकडे मारहाणची घटना झालेली नाही आहे। जे मारहाण झाली होती ती जालन्यामध्ये भोकरदनमध्ये झाली होती, ते आपल्या सीमा लगत होता, त्यामुळे आमचे स्टाफ गेला होता। इमिडिएट माहिती भेटली होती की लिंचिंग चालू आहे, त्यामुळे आपले सिल्लोडचे अधिकारी गेले होते तिथे, आणि ते गाडी एकदम बॉर्डरवर होती। नाही, महिना का नहीं बोल रहा, पूरे साल में कोई घटना नहीं हुई। हाँ, नहीं अशी काही घटना आपल्याकडे घडली नाही आहे। अपहरणचे केस आपण वेगवेगळ्या याच्यामध्ये दाखल करतो, काय कधी कधी ते ओळखीचे असतात किंवा त्यांच्या नाही, या पद्धतीने कोणती गँग अनोळखी कोई आके बच्चे को उठा के लेके गया, ऐसा कोई केस नहीं होता, कोई केस नहीं हुआ आपने। हाँ, यही 3 कॉल आए ना, म्हणजे 3 कॉल जे आम्ही सिरियसली घेतले आणि त्यांच्या पुढे व्हेरीफाय केला, पण काही ते आढळला नाही, तो अफवाच होती ती। हाँ, तो गाड़ीवाला जो है वो कदाचित, अभी हमको उसका इतना डिटेल नहीं मालूम क्योंकि घटना उधर की है, बोकरदन की है, गुना भी उधर ही दाखिल है, दोनों गुने उधर ही दाखिल है। बट जितना प्रथम दर्शनी उतना ही वैसा पता चला है कि वो गाड़ी पे ही था, बोनट पे ही था, वो पकड़ के था शायद उसको। त्याला ऑलरेडी आम्ही निलंबित केलेला आहे आणि निलंबनच्या पूर्वी पण त्याला आम्ही शिक्षा पण दिली होती, त्याच्या इथे पण काम बरोबर नव्हतं त्यामुळे त्याला शिक्षा दिली। त्याच्यानंतर त्याच्यावर एक गुन्हा दाखल झाला, त्यावरून त्याला निलंबित केला, त्याच्यानंतर परत एक गुन्हा दाखल झाला त्याच्यावर। आता आम्ही त्याच्यावर पुढची इन्क्वायरी करून काय कारवाई करायची आहे ते ठरवतो आपण। डिपार्टमेंट इन्क्वायरी त्याची सुरू करणार आम्ही 100%। सुरू चालू झालेली आहे त्याची डिपार्टमेंट इन्क्वायरी।
हाँ तेजे बाबत बोलतो आहे मी, सोयगाव वाला तो निलंबित झालेला आहे आणि त्याच्या डिपार्टमेंट इन्क्वायरी चालू आहे, आणि हा जो दुसरा वाला आहे त्याच्याबद्दल मी म्हणत होतो की त्याच्यावरती आता 2 गुन्हे दाखल झाले आहेत रिसेंटमध्ये, तर त्याला पण आम्ही निलंबित केलं आहे आणि त्याची पण डिपार्टमेंट इन्क्वायरी चालू आहे. नाही डिपार्टमेंटच्या दुसरा कोणी नाही. त्यांना पण आम्ही अशी सूचना दिली आहे की तुम्ही तुमची गस्त जी आहे ते रात्री जास्त वाढवा, दिवसात तसेच घटना गुन्हे वगैरे होत नाही, त्यामुळे त्यांना पण अशी सूचना आमच्याकडून दिलेली आहे की रात्री तुमची गस्त वाढवा. आणि त्यांचे जे चेक पॉईंट चेक नाकास असतात ते ठराविक ठिकाणी न लावता वेगवेगळ्या ठिकाणी सरप्राईजमध्ये लावा.